हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब होकर तो क्या सर, अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। तो भाई फाइनली आफ्टर सेकंड वेव मेरा कॉलेज खुल गया एंड आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ। फटाफट उठते ही मैंने शेविंग कर ली थी, नहावा भी लिया हूँ, बस अब फटाफट से रेडी हो जाता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैसे जाता हूँ एंड मेरा कॉलेज कितना तगड़ा है। भाई मज़ा आ रहा है, मतलब इतना एक्साइटेड हूँ ना कि ये स्माइल है चिपक सी गई एकदम। तो भाई वही है एंड अब फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली रेडी मैं हो चुका हूँ पक्का वाला एंड अब निकलता हूँ सीधा कॉलेज के लिए एंड दिखाता हूँ आगे मेट्रो। सो फाइनली स्कूटी मैंने पार्क कर दी है जो मेट्रो का पार्किंग स्टेशन है एंड अभी चलते हैं मेट्रो की तरफ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। अंकल जी 3995, तो ये मैंने ले भी लिया है, तो इसके बाद अब आगे दिखाता हूँ। मेरे को ध्यान नहीं है कि मेट्रो कार्ड में मेरे पैसे है कि नहीं। मेट्रो कार्ड तो ले आया बट मेरे को अभी तक पता नहीं है कि इसमें पैसे है नहीं और डलवाने पड़ेंगे या नहीं पड़ाएंगे। अभी थोड़े इतना करता हूँ मेट्रो के वहाँ जब जाऊँगा ना, क्योंकि यहाँ पार्किंग से लेकर मेट्रो ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 2 मिनट का वॉकिंग होगा बस, ज़्यादा नहीं। तो वही है एंड अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। सो अब चलते हैं एलिवेटर पे, एस्केलेटर पे चलते हैं एंड इससे मुझे पुरानी याद आ गई। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी मीटिंग माय कॉलेज फ्रेंड्स, तो आप आई बटन में लिंक है, आप देख सकते हो। उससे उसमें ना एक सीन है ऐसा बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत हंसी आएगी। सो उसको ज़रूर देखना। हाय यार बहुत गर्मी है, ये तो गर्मी ने भी बैंड बजा रखी है यार, हद नहीं होती, मतलब इतनी गर्मी क्यों भाई। अब तो स्टार्ट कर दो थोड़ी सर्दी आप, बट अभी भी ना शर्म ही नहीं है, गर्मी गर्मी कर रखी है। चलो कोई ना, आप पहले मेट्रो में बैठ जाओ, सारी चेकिंग वेकिंग करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो भाई मेट्रो में बैठ चुका हूँ, हालत अब जाके थोड़ी ठीक हुई है, इतनी गर्मी हो रखी है ना, पसीने देख लो क्या ही गंदे वाले आ। तो बस अभी मुझे अप्रॉक्स 1 घंटा लग जाएगा कॉलेज पहुँचने में। सो अभी अगर कोई बीच से मिलता है तो दिखाता हूँ आपको, नहीं तो सीधा कॉलेज पहुँच के दिखाऊंगा, ठीक है? सब चलते हैं कॉलेज की तरफ। सो लास्ट तक भी मैं पहुँच चुका हूँ, राजपथ से अभी चेंज कर रहा हूँ डायरेक्ट, अब जाना है मुझे बदरपुर पर्पल लाइन पकड़ते हुए। अब चलते हैं पर्पल लाइन की तरफ सीधा बदरपुर एंड अब आपको सीधा बदरपुर पहुँच के दिखाता हूँ। अगर बीच में कोई मेरे दोस्त मिलते हैं सो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगा, अदरवाइज सीधा बदरपुर जाके आप पहुँच के ना आपसे मिलता। तो फटाफट चलते हैं अपना बदरपुर की तरफ। सो फाइनली बदरपुर पहुँच चुके हैं। हाय हेलो, सो नाम बताओ यार। जिज्ञासा हरवानी। सो भाई कॉलेज ही है, चलते हैं। हरा नहीं फोन, वाह 9। कैसा लग रहा है कॉलेज खुल गया? तुम्हारा ग्रुप कौन सा? मेरा P5 है। चलो मेरे को लगा ये भी P4 है। सही में भाई मेरा 950 पे है, हमारा 930 था। आओ अरे 930 तो हो गए, भागो भाई फटाफट, मैं भी आ ही रहा हूँ पीछे पीछे। ओ भाई उनका P4 है, मेरा P5 है, मेरा 930 सॉरी इनका 930 है, मेरा 950 है। तो मेरे को तो ज़्यादा जल्दी है नहीं, इनको जल्दी है। तो भागो भाई, अपने पास अभी 20 मिनट आराम से चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइनली कॉलेज पहुंच चुका हूँ भाई, वो रहा कॉलेज। लाइक 3 बिल्डिंग है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक और एक तो मेन है ही। सो अभी आगे चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो ये बिल्डिंग है, ये तो मेन बिल्डिंग है एंड वो थर्ड वाली भी बिल्डिंग है। सो ये 3 बिल्डिंग है एंड अब चलते हैं कॉलेज के अंदर। मेरी क्लास है 9:50 की, मैं आ चुका हूँ 9:30 अप्रॉक्स। तो भाई पे आप थोड़ा देखते हैं, अगर अंदर ले लेते हैं ठीक है, नहीं तो घूमेंगे यहीं कहीं। पहले कंसेंट लेटर देना है और एक ये देना है कंसेंट लेटर, और तो अंकल जी को देता हूँ। अंकल जी लेटर फर्स्ट ईयर है आपका? नहीं सेकेंड। कहाँ पर है? मेरा बेकरी है, बेकरी से लेकर जाएगी उस वाले में। ओके हैं सर, होंगे वहाँ पर? हाँ उनको दे देना, वो चेक कर। ओके सर, तो अब चलते हैं बेकरी वाले में। सो फाइनली बेकरी पहुंच चुके हैं, अभी किस किस से मिला बताता हूँ। वेदांश भाई मास्क हटा दे यार, इतना मत शर्मा। सो
सोनाली, कल्पित भाई आ जा यार, क्या हो गया, हेलो ब्रो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी ब्लॉग क्यों कर भाई, इसका ब्लॉग भी आई बटन में पर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, सो ज़रूर देखना। एंड बहुत अच्छा बनाया, अमृतसर का ब्लॉग है, सो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना भाई इसके चैनल को भी। सो इशिता, नवजोत एंड सिमरनजीत, हाय, नरुआ द एक्सप्लोरर को जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो तो अब चलते आगे अपनी बेकरी क्लास की तरफ। तो भाई फाइनली देख लो भाई क्या ही हालत हो रही है पसीने से, एंड अभी दो नए नायाब क्या कहते हैं अनमोल रतन मिले हैं कुछ टीचर्स के पास, त्रिगुण एंड यजन से हाय एंड पॉल भाई हाय। भाई बंदे का एक्सेंट सुन लोगे फैन हो जाओगे, एक्सेंट इतना तगड़ा है हिंदी में तो माशाल्लाह कतई माशाल्लाह या, बट यहाँ पे कोई गाली नहीं बकेगा। ये अनुभव हमारा सीआर क्लास का सेक्शन सी का, ओह एग्जीक्यूटिव शेफ हमारे यहाँ आते हुए अनुराग कश्यप। सो ये है मेरी बेकरी क्लास, एंड जैसा आप देख सकते हो एक ये है एंड सेकंड ये है। सो आज मेरा बेकरी का सेशन है एंड दिखाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, सब कुछ अच्छे से दिखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड आगे देखते हैं अब क्या होता है। फाइनली मेकिंग स्टार्ट हो गया है, मैं बना रहा हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड एंड कल्पित जो है वो बना रहा है बकेट ब्रेड। सो दिखाता हूँ अभी मैंने क्या क्या लिया, पहले वो बता देता हूँ। अभी मैंने लिया है यीस्ट और लिया है शुगर, 7 ग्राम ईच लिया है। अब मुझे लेना है पानी, सो यहाँ पे पानी मैंने ऐड कर दिया है एंड अभी यीस्ट को एक्टिवेट होने देते हैं। भाई देख लो क्या ही झुंड बना रखा है मल्टीग्रीन, ये इसको तो लगा दिया मैंने एक्टिवेट होने के लिए। अब जो मैंने चीज़ें लिया आपको वो बताता हूँ। तो इसमें लिया मैंने 250 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, उसके बाद लिया मैंने 5 ग्राम सॉल्ट, 2 ग्राम ब्रेड इम्प्रूवर, 2 ग्राम ग्लूटेन पाउडर, 50 ग्राम मल्टीग्रेन। तो मुँह दिखाई करते हैं यीस्ट की, और अब बढ़िया यीस्ट फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको मिलाएंगे हम इसके साथ और बनाएंगे डो। तो अब चलिए शुरू करते हैं डो बनाना। तो ये डाल दिया सारा यीस्ट एक बार में, ओहो बड़ा देखने वाले मास्टर शेफ बनेंगे आगे जाके। देखो देखो दूसरों से काम करवा रही है। चलो अब इसको पहले बनाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। अब क्या करना है इस कल्पित का? कल्पित तेरे का करना भाई। अब इसको क्या करना है? उसको बताए तेल तो डाल ले। मैं भी स्टार्ट किया ही है। हाँ पक्का मैम पक्का, पानी ज़्यादा था ना? नहीं पानी तो ठीक है, ये कम। कल्पित कर भाई कैसे कर रहा था दिखा। ये एंड भाई मेरा डो देखो, अभी इसको पेल रहा हूँ अच्छे से ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाए। नवजोत बन गया डो, रियल स्ट्रगल, अनन्या पांडे तक फेल है यहाँ तो। सो फाइनली मेरा डो रेडी है, अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगा मैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। रेस्टिंग पीरियड। ये है दो लोग, ये अनुज ये शिव्या, बेशर्म लोग बड़े दिनों बाद आए। तो भाई आधे घंटे का ब्रेक मिल चुका है, आधे लोग खाना खा रहे हैं, आधे लोग मजे ले रहे हैं और आधे ऐसे खड़े ये हमें बोर कर रहे हैं। अभी साइज नाप वाप दिया है, नए कपड़े बन कर आएंगे वो दिखाएंगे। फर्स्ट ईयर का नहीं, पहले वाला तो दिया भाई, कमर मेरी है 34 to 35। फर्स्ट ईयर का तो आई नहीं, सेकंड ईयर का है क्या? नहीं भाई नाप को तो 13 यार, वो अलग बात है। ब्लॉगर का है, वीडियो बनाने वाले भी है।
सही बात है। कैसी लड़की है, पानी मांगती रहती है यार, लात मारी है कैसी कैसी, शर्म ही नहीं है मतलब। हमें पता है तेरी टांगे लंबी है इसकी तरह, पर फिर भी ना हर समय क्यों दिखाना होता है कि इतनी लंबी लंबी टांगे भैया, नहीं है हमें छोटे से। चलो यार अब मैं थक गया हूँ, हाथ भी दर्द कर रहा हूँ, थोड़ी देर बैठने जा रहा हूँ। क्या बढ़िया हुआ भैया। अरे मैं कब से, किसने बनाया भाई, कब से बोल रखा था इसने खिलाने को, हल्के ईशान हल्के, और बंदे खिला रही है यार। मैं भी टेस्ट करता हूँ। वही इलायची फ्लेवर है, इलायची है, बाकी तू खा ले, बढ़िया है। मुझे इलायची कम पसंद है तो इसलिए। नेक्स्ट टाइम भाई देखो क्या करवा क्या रहे हो, क्या है ये दिखाइए अपना, ये देखो वेले लोग। वाह भाई बड़े लोग। सर अब आगे कैसे करना है, सर आगे, सर इसके आगे करना है। ये अच्छी चीज़ है, रिकॉर्ड कर लेते हैं, मज़ा आता है लोगों को भाई, इसलिए है। हाँ इसलिए तो कर रहा हूँ। ये एक समझदार गंदा नाच है। छी ब्रो छी। अरे वो उसके लिए है, वो उसके लिए फर्नीचर वगैरह वाला। ओह मैन मैन सीरियसली ही है वो पागल। तो अरे तूने वो नहीं देखा आइसक्रीम बनाते हैं वो कोको कोला आइसक्रीम, ये वो खुरचते हैं क्या अबे इसमें नहीं वो अबे पागल ये वो करवा करी यू हाँ तो यार तू 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 जो खाए जा रहा क्या खा रहा भाई इतनी देर से चिको। ये देखो महंगे वाले हलवाई, ये बनाने की कितनी फीस दिया आपने, इससे बढ़िया किसी हलवाई के वहाँ लग जाते, सस्ते में निकल जाता। फटाफट इसको बना लेता हूँ फिर आपको दिखा दो कुकीज़ कैसी बनती है भाई। कान देखो कितना काम कर रहे हैं, वैसे हमारी पनिशमेंट है ये। तो भाई देख सकते हो फाइनली ब्रेड हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड तैयार है। कुकीज़ जो थी वो ये रही, आधे से ज़्यादा खा लिए लोगों ने, तो इसकी है भाई टेस्ट अच्छा है, अच्छा कुछ। सो फाइनली सारी क्लासेस मतलब सारी, आज बेकरी था खाली तो बेकरी क्लास ख़त्म हो गई है, एंड आपने देखा मैंने क्या क्या बनाया। सो बस यही है, अब ईशान वगैरह की देखते हैं उनकी कौन सी क्लास चल रही है, सो अब उनके पास चलते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। भाई अभी चारों के चारों शिव्या दशनीत ईशान और अनुज है आलम बिरयानी वाले पे, लाइक एक तरह से हमारा अड्डा है कॉलेज का एक तरह से बोले तो। चलो भाई चलते अंदर मिलते हैं, बिरयानी लपेट रहे मेरे बिना बेशरम लोग। देखो 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 चारों क्या लपेटे जा रहे हैं। आजा एक पावर दे दो, कौन सा मेरे बिना ना बताया। अभी हमने बिरयानी वगैरह सब खा लिया है, सब रिव्यू लिया जाए। बेस्ती बेस्ती भाई बेस्ती आप देना चाहे बिरयानी जैसी भी थी, मेरे को ये कपकेक ज़्यादा बेहतर लगा। और वो किसने बनाया, चेरी ऑन द केक, वो किसने बनाया, दशनीत ने बनाया। तो भाई कपकेक केक वगैरह सब ये बनाती है, इसका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मिडनाइट बेकर्स इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दे रखा है, तो भाई एक बार जाओ, बहुत औसम केक बनाती है, सो ऑर्डर करना कर देना मज़ा आ जाएगा, बट खा के इतना मैं गारंटी लेता हूँ। फाइनली बैठ चुके हैं, सब कुछ खा पी लिया फुल टोन है, देख लो। हाँ भाई ले ऐसे, मैं ऐसे दूंगा सेल्फी का।
ट्रेंड बिल कर रहे हैं ट्रेंड में ट्रेंड में ब्रो ट्रेंड में लगवाना है ये क्या है क्या कर क्या रही है मैं आ रही थी ना बीच में तो क्या हो गया बीच में भाई अब थोड़ा घर पर चल लेंगे उसके बाद आपको आराम से दिखाता हूँ फाइनली मैं गुड़गांव पहुँच चुका हूँ बीच में मैं थोड़ा सो गया था जब मैंने लाइक तशनीत के साथ आया आईएनए तक आईएनए के बाद फिर चेंज कर लिया एंड वहाँ से अब सीधा एमजी सो फटाफट स्कूटी पिकअप करते हैं घर जाऊँगा घर जाने के बाद मैं लाइक आधे घंटा रेस्ट करके फिर जिम निकलना है सो जिम निकल के जाऊँगा उसके बाद 7 बजे अप्रॉक्स बस यही है आज का एंड अभी कल जो होगा तो कल का भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई दूंगा उसमें ऐसा कुछ है नहीं तो बस यही है एंड अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज अच्छा लगा सो इसको लाइक करना कमेंट करना शेयर करना एंड भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा दो भाई बेल आइकन दबा दो शेयर जितना करोगे उतना अच्छा है समझ आ रहा है तो बस यही बोलूँगा तो चलो थैंक यू फॉर योर ऑल लव बाय बाय रुको जरा सबर करो यार नहीं हमने हाउसकीपिंग में करा था एक ही है आज दे देना मैं भी साफ कर दूंगी यो डन